फिरोजाबाद के थाना नारखी के नगला बीच में चर्चित बीजेपी नेता डीके गुप्ता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। दो शार्प शूटर समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गश्त पे से 3 देशी कट्टा और कारतूस बरामद किए हैं। पड़ोसी ने ही पुरानी रंजिश के चलते 2 शार्प शूटरों को सुपारी देकर हत्या कराई थी। फिरोजाबाद क्राइम ब्रांच और SOG पुलिस ने बीजेपी नेता डीके गुप्ता हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने 2 शार्प शूटर्स और मुख्य आरोपी ईश्वर देव गुप्ता समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना का पूरा ताना बाना पड़ोसी ईश्वर देव गुप्ता ने पुरानी रंजिश को पूरा करने को रचा था। बीजेपी नेता डीके गुप्ता की हत्या की सुपारी के लिए 4 लाख रुपए और 1 प्लेट का लालच दिया गया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। देखिए, 16 तारीख को रात में 8 बजे नगला बीच थाना नारखी में एक व्यक्ति हैं दयाशंकर गुप्ता जी, उनकी कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके संबंध में थाना नारखी में हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उक्त घटना में, जो कि बहुत ही एक सनसनीखेज घटना थी, उसमें हमारी SOG टीम और हमारे थाने की टीम के द्वारा लगातार इसमें सुराग रसी पतारसी और जांच की कार्रवाई की गई, और उसके आधार पे मुखबिर की सूचना पे जो है इसमें 4 लोगों को पकड़ा गया। और इन 4 लोगों के जो नाम हैं वो अनिल, जयकेश, शिशुपाल और वलीम। ये 4 लोगों के आधार पे फर्दर फिर जब उनसे जांच की तो और 3 लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट निकल के आया, तो कुल मिला के करीब हमारे 7 लोग हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है, और 1 व्यक्ति अभी भी इसमें फरार है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं।